फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक ब्यूटीफुल सा अनारकली ड्रेस बनना सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके लिए मैंने ये कॉटन का 3.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, जिसके बाद हम इसमें कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम अपर बॉडी कट कर लेते हैं, जो कि जिसके लिए मैंने लिया है अस्तर का फैब्रिक। यहाँ पर हम हाइट लेंगे, अपर बॉडी की हाइट है हमारी 14 इंच, तो हमने यहाँ पर 14 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा दिया। शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। उसके बाद आर्मोल हमारा 14 है, उसका भी हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच, एंड इस तरह से लाइन लगा देंगे। चेस्ट 34 है, उसका 1/4 लिया 8.5 इंच, एंड प्लस लिया 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमर हमारी 30 है, तो उसका 1/4 लिया 7.5 इंच, एंड प्लस लिया यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन, एंड इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाकर यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एंड ये हो गया हमारा आर्मोल, जो कि बैक वाला हो गया। एंड देन उसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ एंड 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगाकर ये हो गया हमारा फ्रंट वाला आर्मोल, जो कि दोनों आर्मोल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक का विड्थ जो है वो मैं 2.5 इंच लूंगी यहाँ पर, एंड यहाँ से एक स्लैंट मार दूंगी, जो कि हमारे क्रॉच पॉइंट होगा कंधे का, एंड इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर दी है, एक फ्रंट एंड एक बैक, इस तरह से हमारे पास दो पार्ट्स जो है वो आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला पार्ट है हमारा ये, इसका आर्मोल हम यहाँ पर कट कर रहे हैं, बैक वाला पार्ट हमने साइड में हटा दिया है। तो इस तरह से ये फ्रंट वाले पार्ट के हम जो है यहाँ पर आर्मोल कट कर रहे हैं। मेन फैब्रिक आपको इसी तरह से कट कर लेना है, ये अस्तर उनके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखने के बाद हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में कट कर लेंगे। इसी तरह से आपको जो है वो कट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी फैब्रिक जो है वो खोलना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो इस तरह से ये मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था, उस हिसाब से मैं इसके ऊपर रखूँगी एंड इसके साइड से इसको कट कर लूँगी। तो हमारा इस तरह से कटिंग जो है वो हो चुका है। नेक की कटिंग हमने नहीं की, तो नेक की कटिंग हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नीचे हम लेंगे 6.5 इंच, फ्रंट एंड बैक में दोनों सेम ही लिखूंगी। यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऑलरेडी निशान लगाया था, नीचे भी मैं 2.5 इंच निशान लगाऊंगी एंड एक स्क्वायर बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। एंड राउंड शेप देके इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों हमने राउंड में ही कट कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारे अपर पार्ट्स, यानी कि दोनों भी फ्रंट बैक के अपर पार्ट्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मतलब कि कटिंग करके रेडी हो चुके हैं। इसको स्टिचिंग करना अभी बाकी है, तो इस तरह से हमने इसको कटिंग जो है वो कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं, तो ये हम पार्ट जो है वो साइड में रख देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टिचिंग भी करने वाले हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है, जिसकी हाइट है 10 इंचेस, ये 4 फोल्ड है। एक्चुअली फैब्रिक बचा नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जॉइंट लगाया है। यहाँ पर हम 10 इंच, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 इंच हमारा आर्मोल एंड प्लस 2 इंच, मतलब ये पूरा 9 इंच है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच हमारा स्लीव्स का ओपन एंड 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रॉस में इसको पहले कट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से नीचे 3 इंच पर, ठीक है। इस 3 इंच से लेके हम क्या करेंगे, जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे, मतलब कि यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं ऐसे शेप के अकॉर्डिंग ही। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमारी स्लीव्स जो है वो कट हो चुकी है, एल्बो स्लीव्स। अब हम नीचे का घेरा जो है वो कट करने वाला है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एंड 2 फोल्ड लेने के बाद अभी हमने इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके रख दिया। जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं, उसी हिसाब से हमने इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके रख दिया है। सबसे पहले तो हम मेन फैब्रिक कट करेंगे, इसी अकॉर्डिंगली आपको अस्तर कट कर लेना है, वो आपको खुद ही कट कर लेना है, मैं बस मेन फैब्रिक कट करना बताऊंगी। यहाँ पर हम लेंगे कमर का 1/4, कमर हमारी 30 है, उसका 1/4 7.5 इंच, एंड प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है 8 इंचेस पर, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हमारी कुर्ती की रेडी हाइट है, उसमें हम क्या करेंगे, 14 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 14 इंच माइनस करके यहाँ से नीचे हम निशान लगा रहे हैं 32 इंचेस पर, मतलब यहाँ से भी नीचे हमारी 48 इंचेस पर हमारी कुर्ती जो है वो आएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब ऊपर 14 इंच छोड़ के मैं नीचे 48 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। जितनी भी आपकी कुर्ती की हाइट है, उसकी हाइट हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। बस जितना आपने अपर बॉडी का लिया है, उतना मार्जिन हमें छोड़ना है ऊपर की तरफ, एंड नीचे प्लस 1 इंच का मार्जिन ऐड करके हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरह से पूरे राउंड में, जैसे हमने राउंड बनाया था ऊपर, उसी तरह से हमें नीचे भी यहाँ पर इस तरह से राउंड बना लेना है।
एंड अब हम क्या करेंगे, ये दोनों राउंड इस तरह से कट करेंगे एंड कट करने के बाद इस तरह से हमारा घेरा जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब हम करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हमने अपर बॉडी के दोनों एक पार्ट्स लिया है जिसको हम इस तरह से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, अस्तर को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे एंड चारों साइड से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाकर शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स इस तरह से हमने ले लिया है। स्लीव्स के एक तरफ हमने डबल फोल्ड की पट्टी बनाई है, दूसरी तरफ शोल्डर के सेंटर पर स्लीव्स का सेंटर रख देंगे एंड पूरे राउंड में हाफ इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। देन ये एक स्लीव्स अटैच हो जाएगी, दूसरी स्लीव्स भी हमें इसी तरह से यहाँ पर रख देना है एंड इस साइड हाफ इंच की मार्जिन से इस साइड एंड हाफ इंच की मार्जिन से इस साइड पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारा नीचे का घेरा है जिसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अस्तर से अटैच कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा फ्रंट का एक घेरा है, बैक का एक अलग होगा, तो इसको ये वाला लाइनिंग का फैब्रिक यानी कि अस्तर मैंने लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वेस्ट टू वेस्ट सबसे पहले एक सिलाई लगा कर ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों को वेस्ट में अटैच करेंगे इसी तरह से। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको भी आपको इसी तरह से अटैच कर लेना है खाली कमर में। तो इस तरह से ये स्लीव्स अभी मैंने लगाई नहीं है, बट लगाने के बाद इस तरह से हमें पार्ट्स को रख देना है। देन ये जो हमने नीचे का घेरा रेडी कर लिया है, ये वाला घेरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलाई लगा दी है हमने, इसको हम क्या करेंगे, अपर बॉडी के पार्ट्स के ऊपर इस तरह से उल्टी साइड को रख देंगे और यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगेगी। ये सिलाई लग जाने के बाद इसको हम इसे पीछे की तरफ मतलब इस तरह से पलट देंगे, देन ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। बैक वाले पार्ट में बैक वाला ये जो है हमारा घेरा, इसको हम रखेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, देन ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो दोनों अटैच हो गए हमारे एंड स्लीव्स भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से ज्वाइन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक हमारा घेरा है वहाँ तक एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से दोनों साइड में इसकी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। एंड देन नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से दोनों को हम पट्टी फोल्ड करेंगे, यानी कि डबल पट्टी की इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, देन ये रेडी हो जाएगा।